بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا أيها الطلبة الأعزاء بارك الله في علمكم كما أنت تعرف أن سلسلة الدراسة على إنترنت جارية في هذه الأيام وقد درسنا بالأمس الدرس الأول لكتاب حديقة الأدب الجزء الثاني واليوم نشرع الدرس الثاني بين النكت العربية السعودية والباكستانية هذا الدرس الثاني أولا ندرس الترجمة الأردية لهذا الدرس وبعد ذلك نحل إن شاء الله التمارين في هذا الدرس وأيضا ندرس مع ذلك الصرف والنحو المعينة لفهم هذا الدرس أولا افتح كتابك وانظر إلى الدرس الثاني الدرس الثاني هي بين النكت العربية الباكستانية بين النكت العربية والباكستانية بين النكت العربية والباكستانية النكت نكتة کی جمع ہے اس کا مطلب ہے لطیفہ العربية النكت العربية عربی لطائف والباكستانية اور پاکستانی لطائف تو بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان یہاں مطلب ہوگا بین النکت العربیہ والباکستانیہ کہ یہ آپ کا جو سبق ہے یہ پاکستانی اور عربی لطائف پر مشتمل ہے التقا ادیب سعودی سعودی ادیب ملتا ہے التقا یلتقی کا مطلب ہے ملاقات کرنا سعودی ادیب ملاقات کرتا ہے بی ادیب باکستانی پاکستانی ادیب سے حدیث ان کا ما یلی اور ان کے درمیان جو گفتگو ہے فجرا بینہم ان کے درمیان جو گفتگو چلی ہے فجرا بینہم حدیث ان کا ما یلی ان کے درمیان مندرج ذیل گفتگو ہوئی ہے جرا یجری کا مطلب ہے چلنا بینہما ان دونوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا حدیث ان بات گفتگو کما یلی جس طرح کے آگے آ رہا ہے تو سب سے پہلے السعودیو سعودی ادیب کہتا ہے یا اخی الفاضل اے میرے فاضل بھائی فاضل دوست قابل احترام دوست اودو میں یہ پسند کرتا ہوں ان اسمع منک کہ میں آپ سے سنوں بعض النکت الباکستانیہ بعض پاکستانی لطیفے فقد قیل لی مجھے یہ کہا گیا ہے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ان الشعب الباکستانیہ کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے شعب مرح یہ شعب یہ ایسی قوم ہے مرح جو خوش طبع ہے مرح خوش طبع چیرفل
मैंने मुझे ये बताया गया है कि इन शाब अल पाकिस्तानी या शाबुन मरेखन के पाकिस्तानी कौम एक खुश तबा कौम है। युहिब अन नुकता व दआबता, युहिब वो पसंद करती है अन नुकता लताइफ को व दआबता। वैसे दआबा का लफ्सी मतलब होता है खेल कूद को भी कहते हैं, दिल लगी को भी कहते हैं, दिल लगी और लताइफ वगैरह को ये पसंद करती है। तो सऊदी यू याखी अलफादिल, सऊदी कहते हैं ए मेरे फाजिल भाई, अवद्दो अन अस्मा मिनका बाद अन्नुकत अलपाकिस्तानिया, मैं आपसे कुछ पाकिस्तानी लतीफ़े सुनना चाहता हूँ। फ़क़द क़ील ली, मुझे ये बताया गया है कि अन्ना शाब अलपाकिस्तानी या शाब उन मरेखन के पाकिस्तानी कौम एक खुश तबा कौम है। युहिब अन्नुकत व दआबा, जो कि लताइफ और दिल लगी को पसंद करती है। वलपाकिस्तानी यू पाकिस्तानी सदक़त या अखी अल करीम, कहते हैं कि ए मेरे भाई आपने सही कहा, आपने सच फरमाया ए मेरे मोहतरम भाई। इन्नमा नहनु शाबुन, बेशक हम एक ऐसी कौम है, नुहिब अल मिज़ाह, जो मज़ाह को पसंद करते हैं, व नुकत और लताइफ को पसंद करते हैं, हत्ता खिलाल अल अज़मात, यहाँ तक कि अज़मात, अज़मत उनकी जमा है, अज़मत उनका माना है मुसीबत, सख्ती, बहरान। तो खिलाल दौरान, खिलाल अज़मात यानी बहरान के दौरान, वल्लहज़ात अल-ख़तीरत, लहज़ात, लहज़त उनकी जमा है, और अल-ख़तीरा ख़तरनाक, ख़तरनाक लम्हे, लम्हों के दौरान और बहरानों के दौरान भी हम एक ऐसी कौम हैं जो मज़ा और लताइफ को पसंद करते हैं। सऊदी, सऊदी तय्यबुन, बहुत अच्छे, फल नस्मा मिन हज़रत का बाद नुकत, तो बस हम सुनेंगे आप की जनाब से बाद नुकत बाज़ लतीफ़े, मिन हज़रत, हज़रत यानी आप जनाब से, आप से जनाब से, यू आर गुड सेल्फ यानी इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है, फल नस्मा मिन हज़रत का, तो हम सुन लेते हैं, हम आपसे कुछ लताइफ सुनेंगे, फल नस्मा हम सुनेंगे, सुन लेते हैं, मिन हज़रत का जनाब से, बाद नुकत कुछ लतीफ़े, व नऊद बिहा इला बिलादिना, और फिर हम उन लताइफ को वापस अपने मुल्क में लेकर जाएंगे, वनहकी है लिन्नास हुनाक, वनहकी है और हम उनको बयान करेंगे, लिन्नास लोगों से, हुनाक वहाँ पे, हुनाक वहाँ और हुना, अगर इसके आँखें इससे काफ को हटा दिया जाए तो फिर इसका मतलब होता है यहाँ। अल पाकिस्तानी यो पाकिस्तानी कहता है नाम हादिर या सैदी बिकुल सुरूर, जी हाँ नाम, जी हाँ हाज़िर या सैदी जनाब हाज़िर हूँ, बिकुल सुरूर तमाम तर खुशी के साथ, यानी बिल्कुल जी खुशी के साथ मैं सुनाने के लिए हाज़िर हूँ, वलाकिन अरजोक, लेकिन मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ, रजा यरजू उम्मीद रखना, अरजो का मैं भी आपसे उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह तहरमनी मिन फ़ज़्ले का, कि जनाब आप भी मुझे मारूम नहीं कीजिएगा, आप भी मुझे मारूम नहीं रखेंगे, ला तहरिमनी मुझको मारूम नहीं करोगे, मिन फ़ज़्ले का अपनी जनाब से, वतहकीली बाद नुकत सऊदिया ऐज़न, और कुछ इसी तरह के सऊदी लताइफ आप भी मुझे सुनाओगे, सऊदियों ला माने आलदश, कोई ममानत नहीं मेरे लिए, कोई अमर माने नहीं, मैं सुनाने के लिए हाज़िर हूँ, फ़ाइंदना फ़ी बिलाद अल अरब नुकतुन, ला माने आलदश, कोई रुकावट नहीं मेरे पास, फ़ाइंदना फ़ी बिलाद अल अरब, हमारे यहाँ जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके अंदर नुकतुन लताइफ भी हैं, व आफाकी हो और
चटकले भी हैं, अफाकी का मतलब है चटकले, लताइफ भी हैं, लतीफ़े भी हैं और चटकले भी हैं। यरवी हन्नास, जिनको लोग रिवायत करते हैं, आला अलसनत शख्सियात, एक स्पेसिफिक ख़ास लोग जो हैं उनकी ज़ुबानों से, कद इश्तहरत, जो शख्सियात मशहूर हो गई, वरिफत बिजाल का, और जो इन लताइफ और इन चटकलों में मारूफ हो गई, बिजाल का फिल कदीम वल हदीस, ज़माने कदीम में भी और ज़माने जदीद में भी, वलबाद मिन हकीकत, उनमें से बास तो हकीकत हैं, वलबादलाखर और जो दूसरे कुछ हैं, मिनहा खुराफियत, वो मैज़ खुराफात हैं, झूठ है, ला हकीकत लहा, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। सऊदी कहते हैं कि हमारे यहाँ यानी अरब कंट्रीज़ में चटकले और लताइफ वहाँ भी हैं, लोग उनको बयान करते हैं, रिवायत करते हैं, और ख़ास शख्सियात हैं उनकी ज़ुबान से, वो शख्सियात ऐसी हैं जो मशहूर हो गई हैं और ज़माने कदीम और जदीद में मारूफ रही हैं इन चटकलों में और इन लताइफ में। उन लताइफ में से कुछ तो हकीकत हैं और कुछ जो हैं वो मन घड़त हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबाकिस्तानी यो पाकिस्तानी कहते हैं, वहाजा तबीयन, ये तो फितरती बात है, ये तो बात फितरत के मुवाफिक है, फ़ाइनल इंसान बेतबीआती ही, बेशक इंसान अपनी फितरत के लिहाज से, यमील इलल मिजाह, वो माइल रहता है मिजाह की तरफ, व दआबत और खुशतबी की तरफ, दिल लगी की तरफ, वयुहिब्बो, और वो ये पसंद करता है, तरफ़ियतल आयश, रफ़ा युरफ़ी तरफ़ियतन का मतलब होता है तरफ़ियतल आयश, आयश व अशरत का वाफर होना, तरफ़ियतल आयश यानी ज़िंदगी का लुत्फ़, ज़िंदगी की आसाइशें, व तरवीह यानी नफ्स, तरवीह का मतलब होता है राहत पहुँचाना, नफ्स को राहत पहुँचाना। कहते हैं फ़ाइनल इंसान अब तबीआती ही, बेशक इंसान अपनी फितरत के लिहाज से, यमीर उल मिजाह, व मिजाह की तरफ मायल रहता है, व दआबत और खुशतबी की तरफ, व युहिब्बो और वो ये पसंद करता है, तरफियत अल आयश ज़िंदगी की जो आसाइशें हैं उनको वो पसंद करता है, व तरवीह अन नफ्स और नफ्स को राहत पहुँचाने को वो पसंद करता है। यानी ये मज़ाह जो है या जो लताइफ हैं ये ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान के गम दूर होते हैं, इंसान की टेंशन ख़त्म होती है, इंसान जिस बेचैनी या बेसकूनी में होता है उसको राहत मिलती है और वो सुकून में आ जाता है। तो यहाँ पे इंसान का ये फितरत, ये माहौल है कि वो इस तरह के चटकलों को और इस तरह की खुशतबी को वो पसंद करता है कि जिससे उसको राहत मिले। अच्छा, यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है मज़ाह, मीम ज़े अलिफ हा, मज़ाह। इस मज़ाह का मतलब होता है कि ऐसी लतीफ़ बात करना कि जिससे दूसरा हंस पड़े या उसकी टेंशन ख़त्म हो जाए या उसके जहन को तरावत मिल जाए। एक इसी तरह का लफ्ज़ है मज़ाक, मीम ज़ाल अलिफ और काफ, मज़ाक। मज़ाक का मतलब होता है किसी का इस्तेहज़ा उड़ाना, किसी की हकारत करना, किसी को नीचा दिखाना, जिसके लिए कुरान लफ्ज़ इस्तेहज़ा इस्तेमाल किया है, और वो इस्तेहज़ा उससे शरी तौर पर मना किया गया है, क्योंकि आप किसी को हकीर समझ रहे होते हैं या किसी की हकारतपन को उछाल रहे होते हैं, हकीरपन को। तो इस तरह का करना, ये रवैया, ये बिहेवियर, ये शरी तौर पर जायज़ नहीं, मज़ाक जायज़ नहीं, इस्तेहज़ा जायज़ नहीं, लेकिन मज़ाह जायज़ है। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस में भी मिलता है कि आप मज़ाह फरमाते थे, जैसा कि एक बुढ़िया आपसे आपके पास आई, आपने फरमाया कि कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, तो वो बूढ़िया रोने लग गई कि मैं जन्नत में नहीं जा सकूंगी और कुल जवान औरतें जन्नत में जाएंगी। तो ये मज़ाह था,
उसकी परेशानी हुई, लेकिन फौरन ही हुज़ूर ने कहा कि नहीं, वहाँ पे जो औरतें बूढ़ी भी होंगी वो भी जवान होकर जाएंगी, वो बूढ़ी नहीं रहेंगी। तो फिर उसको एक राहत मिली, उसकी टेंशन या उसकी वो परेशानी ख़त्म हुई। तो इसको मज़ाह कहते हैं। मज़ाह में और इस्तेहज़ा में फ़र्क है। मज़ाह जायज़ है, लेकिन इस्तेहज़ा वो किसी सूरत शरी तौर पर जायज़ नहीं है। तो कहते हैं पाकिस्तानी के वाज़ तबीय फ़ैन इंसान अब तबीयती ही अमीर उमज़ाह वाबा वहब व तरफ़ीत आयश व तरवी ख़ानफ़ लिकन सा, ताकि वो दुनिया के गमों को और दुखों को भूल जाए। लिकन सा, ताकि वो भूल जाए। औ यतनासा, या भुला दिए जाए, या तो ख़ुद ब खुद नसी यनसा भूल जाए, या यतनासा या ख़ुद व भुला दे इन लतीफ़ों के ज़रिए। हमूम अलहयात, हम कहते हैं दिल के गम को, जो दिल के अंदर परेशानी होती है उसको हमूम अलहयात, ज़िंदगी के गमों को वो भूल जाए। व आलामा, और ज़िंदगी के जो आलाम हैं, दुख हैं, उनको वो भूल जाए। सऊदियो, सऊदी कहते हैं लकद असब दयाखी, ए मेरे भाई तूने दुरुस्त कहा, वलाकिन हम युफ़ज़िलून, लेकिन वो ये पसंद करते हैं, वो इस चीज़ को तरजीह देते हैं। फ़द्दला युफ़ज़िलू, तरजीह देना, फ़ज़ीलत देना। अनसिबु हाज़िहिन नुकता वल अफ़ाकीह इला शख्सियत, इला शख्सियतिन खुराफ़ियतिन, जो सऊदी यानी अरबी जो लोग हैं वो इस चीज़ को तरजीह देते हैं कि वो इन लताइफ को या इन चटकलों को मनसूब कर दें। इला शख्सियतिन खुराफ़ियतिन, एक मन घड़त शख्सियत की तरफ, जो ख्याली शख्सियत है। मिसल जुखा इंदल अरब, जिस तरह अरबों के यहाँ जुखा है। वलमुल्ला नसीरुद्दीन इंदल अतराक, और तुर्कियों के नज़दीक मुल्ला नसीरुद्दीन है। अलबाकिस्तानी यो, पाकिस्तान के दें वो मिसल शेख तशिल्ली इंदना फ़ी पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर शेख चिल्ली है। सऊदी, सऊदी कहते हैं वारजू का अनतह की ली नुकता तन पाकिस्तानी यतन आला लिसान शेख तसल्ली, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे बयान करेंगे, अनतह की कि तू मुझे सुनाएगा, बयान करेगा। नुकता तन पाकिस्तानी यतन पाकिस्तानी लतीफ़ा आला लिसान शेख तसल्ली, शेख चिल्ली की ज़ुबान से कोई मुझे पाकिस्तानी लतीफ़ा सुनाएगा। तो ये मशहूर शख्सियात थी जिनके यहाँ लताइफ़, जिनके नाम से मंसूब हैं अरबों के यहाँ, ख़ासकर जो खा है, या तुर्कियों के यहाँ मुल्ला नसीरुद्दीन है। एक दोस्त जो शाम में पढ़ते रहे, उन्होंने तुर्की का सफ़र भी किया, वो मुल्ला नसीरुद्दीन की कब्र पे गए तो कहते हैं कि उसकी कब्र का भी एक लतीफ़ा ही बना हुआ है। इतनी बड़ी सी दीवार है, एक रोज़ा नुमा दोस्त से नज़र आता है और दरवाज़ा लगा हुआ है, और उसको बहुत बड़ा ताला लगा होता है। इंसान वहाँ पे जाके वो सोचता है कि यार मैं अंदर नहीं जा सकता, उसके मज़ार पे हाज़िरी नहीं दे सकता, ये उसको ताला लगा हुआ है। तो वो चारों ना चार वहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद वो कहता है कि जब हम राउंड करते हैं, वो कोई भी बंदा वहाँ पर जो ज़्यारत के लिए जाता है, वो उस जो दीवार है उसके जब गिर्द राउंड करता है तो पीछे से वो सिर्फ और कोई इमारत नहीं है, वही बस वही दीवार है, पीछे से वो कब्र सामने है। तो वहाँ पे भी यानी एक लतीफ़ा ही बना हुआ है। तो ये ऐसे लोग दुनिया में इंसाने के लिए थे, अल्लाह ने पैदा किया। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में भी कुछ शख्सियात ऐसी थी जो इस तरह के मज़ाक करती थी, और हुज़ूर उनको के मज़ाक को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये गमों को दूर करता है। तो इंशाअल्लाह हम बाकी जो सबक है वो कल पढ़ेंगे। इस को आप याद करें। वाखिर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।